इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ। प्रधानमंत्री ने एक फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। करीब 4.5 घंटे पहले नई दिल्ली से 2,500 किलोमीटर दूर कतर की राजधानी दोहा में तालिबान से बात हुई है। तालिबान की टॉप लीडरशिप चलकर भारत की एम्बेसी के अंदर आई। भारत के राजदूत के साथ 3 पॉइंट्स पर बात हुई, उसकी डिटेल हम आपको सिर्फ 2 मिनट के बाद देंगे। दोहा से आई खबर चौंकाती है, लेकिन जो होमवर्क हुआ है वो बहुत सॉलिड है। नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर एक स्पेशल टीम बनाई है। ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, प्लानिंग अजीत डोभाल करते हैं। दोहा में जो हुआ उसकी पूरी स्क्रिप्ट नई दिल्ली में कैसे लिखी गई, किसने लिखी, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। तालिबान से बातचीत शुरू हो गई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग कतर के दोहा में हुई, जिससे कुछ बड़ी इंटरनेशनल हेडलाइन निकली। तालिबान के रिक्वेस्ट पर यह बातचीत भारत के झंडे के नीचे हुई। तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के हेड शेर मोहम्मद अब्बास तानिक जई कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल से मिलने के लिए दोहा में भारत के दूतावास आए। यानी जगह हमारी थी, लोकेशन हमारी थी और तालिबान वहां चल कर आया। पहले इस मीटिंग से निकली हेडलाइंस को देख लेते हैं, फिर आपको बैकग्राउंड के साथ डिटेल में बताते हैं। हेडलाइन नंबर 1, तालिबान ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया। हेडलाइन नंबर 2, तालिबान अफगानी हिंदुओं और सिखों को निकालने पर भी राजी हुआ। हेडलाइन नंबर 3, अफगानिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ आतंक नहीं फैलाया जाएगा। भारत ने तालिबान के सामने 3 मुद्दे उठाए और तालिबान तीनों पर सहमत हो गया। अब इस मीटिंग को बैकग्राउंड से समझते हैं। तालिबान के लिए मोदी ने स्पेशल अफगानिस्तान ग्रुप बनाया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस हाई लेवल ग्रुप में कौन कौन है। उनके नाम से इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस का पता चल जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के मिशन पर लगाया है। डोभाल के अलावा यहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के भी मेंबर हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए मोदी सबसे ज्यादा डोभाल पर भरोसा करते हैं और जयशंकर मोदी के लिए इंटरनेशनल रिलेशन का फ्रंट देखते हैं। इन दोनों के अलावा अलग अलग मंत्रालयों के सीनियर अफसरों को मिलाकर प्राइम मिनिस्टर ने हाई लेवल ग्रुप तैयार किया है। ये वो लोग हैं जो पिछले कई महीनों से अफगानिस्तान के हालात पर 24/7 नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर 14 अगस्त से ही इनकी रेगुलर मीटिंग चल रही है। नई दिल्ली से वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, मॉस्को और बर्लिन की हॉटलाइन चालू है। मोदी का स्पेशल ग्रुप एक एक डिटेल पर काम कर रहा है और रेगुलर रिपोर्ट खुद प्रधानमंत्री ले रहे हैं। मोदी ने स्पेशल ग्रुप को कई टास्क दिए हैं, जिनमें से टास्क 2 सबसे खास है। पहला टास्क, अफगानिस्तान में कोई भारतीय न छूट जाए। दूसरा टास्क, अफगानिस्तान भारत के खिलाफ आतंक का अड्डा न बन पाए। अभी तो लड़ाई जारी है, खत्म तो नहीं हुई। जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक लड़ाई समाप्त नहीं होगी। अफगानिस्तान से अमेरिका के चले जाने के बाद भारत लंबी पारी खेलने के लिए उतरा है। मोदी की टीम ने ठोस शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 13 सदस्य देशों ने उसी लाइन को माना जो लाइन भारत ने बताया। पूरी दुनिया के लिए यह वक्त बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान और तालिबान का संकट मानवता के लिहाज से बहुत बड़ा है। ऐसे मुश्किल वक्त में लीडरशिप भारत के पास है। सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भारत की अध्यक्षता में हुई और भारत ने जो कहा उसे ही वर्ड बाय वर्ड एक्सेप्ट कर लिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की लाइन को चीन भी वीटो नहीं कर पाया। अफगानिस्तान पर सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में 2 बातें बहुत अहम है। तालिबान के कब्जे के बाद भी अफगानी अल्पसंख्यकों के मूवमेंट पर रोक नहीं होगी और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत सहित किसी भी दूसरे देश में आतंक फैलाने के लिए नहीं होगा। That Afghanistan's territory should not be used to threaten or attack any country or to shelter, train terrorists or plan or finance terrorist acts. It underlines terrorist individuals and entities designated by UN Security Council 1267. This is of direct importance to India. The resolution also notes the statement by the Taliban on the 27th of August, and the Security Council does expect
them to adhere to their commitments, including regarding the safe, secure and orderly departure from Afghanistan of Afghans and all foreign nationals. The resolution also recognizes the importance of upholding human rights, especially of Afghan women, children and minorities, as well as to inclusive negotiated settlement and to humanitarian assistance to Afghanistan. सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 13 देशों ने मोदी की लाइन को सही माना। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो भी अफगानिस्तान के आतंक का एक्सपोर्ट नहीं चाहता। अफगानिस्तान में रहने वाले अधिकतर भारतीयों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन सभी भारतीय वहां से नहीं आ पाए हैं। गिनती के कुछ भारतीय अफगानिस्तान में रह गए हैं, जिनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। भारतीयों के अलावा कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक, जिनमें अफगानी हिंदू और अफगानी सिख शामिल हैं, वो भी भारत आना चाहते हैं। हिंदुस्तान सबके लिए कमिटेड है। सुख दूसरों की सेवा से ही आता है। हम सुखी तभी होते हैं जब हम अपने साथ साथ अपनों की पीड़ा को भी अनुभव करते हैं। इसलिए आज दुनिया भर में कहीं भी कोई भी भारतीय अगर संकट में गिरता है तो भारत पूरे सामर्थ्य से उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। कोरोना काल हो या फिर अफगानिस्तान का वर्तमान संकट, दुनिया ने इसे निरंतर अनुभव किया है। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, हालात मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है। हम लोगों के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी शीश पर रखकर भारत लाए हैं। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएमओ में काम कर चुके हैं। 2014 में दीपक मित्तल पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। तालिबान के नेता शेर मोहम्मद अब्बास तानकजई भारत के साथ ठीक उसी दिन बातचीत करने आए जिस दिन अमेरिका ने काबुल को टाटा बाय बाय किया। भारत ने जो बातचीत की उसकी लाइन लेंथ वही रही जिसका रिजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने लिया है। तालिबान के इशू पर भारत अब तक वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रहा था, लेकिन भारत अब और वेट नहीं करेगा। ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे लंबी स्ट्रेटजी काम कर रही है। द वर्ल्ड व्यू दैट बाय 2030 इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इज नॉट डिस्प्यूटेड एनीमोर, दैट इट विल बी एन इकोनॉमी 11 ट्रिलियन प्लस। It will be third power after US and China. It will also have a military power, which probably will be one of the most capable military power which will be able to bring about the stability not only in the region but beyond. It's also felt that its technological prowess would be something that would be able to contribute substantially in the new and the niche areas of technology, may it be space, may it be cyber, may it be nanotechnologies, may it be more advanced technologies. Economy, military और technology तीनों क्षेत्रों में भारत की धाक बढ़ रही है। काबुल एयरपोर्ट से निकल जाने के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिका का प्रेजेंस शून्य के बराबर रह गया है। पिछले 20 साल में अमेरिका की यहाँ जबरदस्त दिलचस्पी थी, लेकिन अब बाइडेन को अपना घर देखना है। पाकिस्तान और चीन पर दुनिया में किसी को भरोसा नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान में जो गैप बना है उसे भारत को ही भरना है। पहली बात, उन्होंने पहल की, मगर हमारा भी उसमें इंटरेस्ट है कि कई भारतीय जो अभी भी वहां पर हैं, अब तो चूंकि पूर्णतः उनका वहां के सत्ता संस्थान पर नियंत्रण हो गया है, उनके पावर एस्टेब्लिशमेंट पर पूरा कंट्रोल हो गया है अमेरिका के चले जाने के बाद, तो यदि अब उन भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करानी है तो कहीं ना कहीं भारत को इस विषय के ऊपर बातचीत करनी होगी। 200 के लगभग हिंदू और सिख जो कि अफगानी नागरिक हैं, जिनको कि तालिबान ने वहां से ले जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, यदि उनको सुरक्षित यहां पर लाना है
तो उसके लिए भी किसी न किसी प्रकार की वार्ता करनी होगी। तो कुछ कंसर्न हमारे भी हैं और एक लार्जर कंसर्न जिसकी तरफ काजू जी इशारा कर रहे थे कि हमारा जो इस जियो स्ट्रेटेजिक एक अस्थिरता उत्पन्न हुई है हमारे पड़ोस में, उसका दुष्प्रभाव भारत के ऊपर ना पड़े, यह भी हमारा एक कंसर्न है। तो एक तरफ तो हम अपनी सीमा पर मैनुअल और टेक्नोलॉजिकल दोनों प्रकार की सर्विलेंस को भी सुदृढ़ करेंगे और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखने का प्रयास करेंगे कि यथासंभव किसी तरफ से ऐसी कोई कार्रवाइयां ना होने पाए जिसमें कि भारत के अंदर किसी प्रकार की अस्थिरता या अशांति को बढ़ावा दिया जा सके। तालिबान की पहल पर तालिबान के नेता के साथ बातचीत के बाद कुछ सवाल उठे हैं। क्या भारत तालिबान को मान्यता देगा? इस सवाल का जवाब यह है कि ऐसा करने की फिलहाल जरूरत ही नहीं है। कोई भी देश किसी दूसरे देश की हुकूमत को मान्यता नहीं देता। काबुल में भारत का दूतावास अभी बंद है, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका का दूतावास बंद है। जब भारत को लगेगा कि काबुल में दूतावास की जरूरत है और वहां कर्मचारी सेफ रहेंगे तभी काबुल में दूतावास खुलेगा। फिलहाल काबुल दूतावास के बिना भी तालिबान से संपर्क हो रहा है। दूसरा सवाल यह है कि क्या भारत अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तालिबान चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत जिन प्रोजेक्ट को चला रहा था उन प्रोजेक्ट्स पर काम चलता रहे, लेकिन अभी भारत को इसकी कोई जल्दबाजी नहीं है। तालिबान के साथ जो बातचीत हुई है उसमें प्रोजेक्ट चालू करने पर कोई बात नहीं हुई है। दुनिया में भारत की इमेज और भारत का इम्पैक्ट दोनों बढ़ रहा है। रूस अफगानिस्तान पर मोदी से बात करता है, ब्रिटेन जर्मनी और इटली ये तीनों मुल्क नेटो के मेंबर हैं, लेकिन अफगानिस्तान के मसले पर वो भी मोदी के टच में है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रोगी ने मोदी से मदद मांगी है कि वो G20 की मीटिंग बुलाकर अफगानिस्तान का मुद्दा सुलझाएं। ड्रोगी को लगता है कि तालिबान का इलाज G20 से ही निकलेगा जिसमें भारत अहम सदस्य है। पिछले हफ्ते अफगानिस्तान पर G7 की बैठक हुई थी लेकिन वो ब्लेम गेम में ही निकल गई थी। अब इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रोगी के बारे में एक दिलचस्प बात बताते हैं। अमेरिकी सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया भर के बड़े नेताओं की रेटिंग निकाली तो मोदी पहले नंबर पर, ड्रोगी दूसरे नंबर पर रहे। वर्ल्ड लीडर्स के सर्वे में नरेंद्र मोदी 71% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर हैं। सेकंड पोजीशन पर इटली के मारियो ड्रोगी नरेंद्र मोदी से 9% पीछे हैं। मोदी की लाइन और मोदी का कद अनमैचेबल है। पहले ये बात कुछ ही लोग, कुछ ही देश मानते थे, अब तो तालिबान भी इसे समझने लगा है। और कुछ घंटे पहले अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला गया। तालिबान से भारत ने डायरेक्ट बातचीत शुरू कर दी। इस वक्त पूरे काबुल पर तालिबान का ही कब्जा है। अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने के लिए कांदहार में तालिबान की टॉप लीडरशिप की मीटिंग चल रही है और करीब करीब तय हो गया है कि हक्कानी नेटवर्क का सिराजुद्दीन हक्कानी होम मिनिस्टर बनेगा, मुल्ला उमर का बेटा डिफेंस मिनिस्टर बनेगा। अफगानिस्तान में सरकार को हेड मुल्ला बरादर करेगा या तालिबान का सुप्रीम कमांडर हिब्तुल्ला अखुनज़ादा करेगा। तालिबान के लड़ाकों को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन राष्ट्रपति होगा। वो इसी बात से खुश हैं कि उन्हें अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मिल गए, एयरक्राफ्ट्स मिल गए। इस वक्त काबुल में जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। तालिबानी आतंकी नॉनस्टॉप गोलियां चला रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। कोई काबुल एयरपोर्ट पर सेल्फी ले रहा है तो कोई रनवे पर साइकिल चला रहा है। आज अफगानिस्तान से ऐसी कई तस्वीरें आईं जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तालिबान को इसी तस्वीर का तो इंतजार था। तालिबानी आतंकी इसी फिराक में तो थे कि कब अमेरिका जाए और तालिबान गोलियां बरसाए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट द शूट एट अस, वो 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 shooting. That's insane. तालिबान तो पहले दिन ही सनक गया, सनक ऐसी कि टेरर का ट्रेलर लॉन्च कर दिया। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, अमेरिकी विमान आसमान में था और नीचे तालिबानी आतंकी का मोबाइल फोन ऑन था, वीडियो बन रहा था
और फिर जैसे ही काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी विमान ने टेक ऑफ किया, तालिबानी आतंकियों ने काबुल की जमीन हिला दी, वॉशिंगटन डीसी तक गोलियों की आवाज पहुंचा दी। काबुल का आसमान धुआं धुआं कर दिया। तय समय से 24 घंटे पहले अमेरिका काबुल से क्या भागा? तालिबानी आतंकियों ने घर घर घुसकर मारकाट मचा दी। मोबाइल फुटेज आपके सामने है, ऑडियो से सब क्लियर है। एक तरफ रात के अंधेरे में बीच सड़क पर अफगानी महिलाएं हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांग रही थी। प्रेसिडेंट बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, प्लीज सेव अस आवर फैमिली, सेव अस आवर लाइफ, वी डोंट नो व्हाट टू डू देयर, प्लीज हेल्प आवर फैमिलीज, वी डोंट नो, वी आर इन डेंजर। और दूसरी तरफ तालिबानी आतंकी गोलियां बरसाते हुए एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे थे। हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात तालिबान कमांडर्स ने हमें बताया है कि इस वक्त तालिबान के पास एयरपोर्ट का कंट्रोल आ गया है। तरीन खबर यह है कि तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। अमरीका के आखिरी 5 तैयारे अपने शहरियों और अहलकारों को लेकर काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। ये अच्छा नहीं, सनका हुआ तालिबान है और इसकी एक तो नहीं दर्जनों तस्वीरें पहले दिन ही देख गए। अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर अब तालिबान का हो गया है। We're here right now with the Taliban as they enter into the what was only minutes ago was an American controlled portion of the military airport. Now they're taking over. एक मुहावरा सुना होगा आपने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। काबुल में इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। तालिबानी आतंकी अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स का टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, मिसाइल कैसे छोड़नी है उसे फिक्स कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि उसके सारे विमान डिफॉल्टेड हैं, कोई नहीं उड़ेगा, लेकिन तालिबान दावा कर रहा है कि वो सब ठीक कर देगा। Here's one of the A-29s. It's an MD-530 over here. It seems we're basically approaching a big Taliban parade at the moment, and talking about a lot of stuff here, a lot of hardware. And here's the latest addition to the Taliban Air Force. ऐसा लग रहा है मानो लूट मच गई है, तालिबानियों की लॉटरी लग गई है। इस सनक की तस्वीर देखिए, तालिबानी आतंकी ने काबुल एयरपोर्ट के रनवे को ही रेसिंग ट्रैक बना डाला, उस पर साइकिल दौड़ा दी। फैक्ट यह है कि काबुल से अमेरिका के भागते ही अफगानिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। एक तरह से अफगानिस्तान को डेथ सेंटेंस मिल चुका है, तालिबान को मौत मारने का फ्री लाइसेंस मिल गया है। सबूत कैमरे पर है, हेलीकॉप्टर से लाशें लटकने लगी है। काबुल एयरपोर्ट का ATC कुछ घंटों पहले अमेरिका की निगरानी में था, मगर अब यहां असॉल्ट राइफल के साथ तालिबानी आतंकियों का कब्जा है। नॉनस्टॉप फोटो सेशन भी चल रहा है। बीच रनवे पर दुनिया को दिखाने के लिए मजमा भी लगा। हक्कानी नेटवर्क का आतंकी अनस हक्कानी लाभ लश्कर के साथ काबुल एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हुआ। मल्टी कैमरा सेटअप रेडी था, इंटरव्यू बांटे गए, जमकर पब्लिसिटी स्टंट की गई। एक स्टंट तालिबानी आतंकियों ने अपने हाईटेक गियर्स के नुमाइश के साथ भी किया। ये वही आतंकी थे जो पहले AK-47 लेकर घूमा करते थे, लेकिन आज जिनके पास US आर्मी के लूटे हुए अत्याधुनिक हथियार हैं। इस तस्वीर को देखकर भला कौन कहेगा कि ये तालिबानी आतंकी हैं? हेलमेट पर एडवांस नाइट विजन डिवाइस, अमेरिकी फौज से लूटी हुई यूनिफॉर्म, चिनूक हेलीकॉप्टर के आगे और पीछे पोज। इस तालिबान को देखकर ऐसा लग रहा है मानो अमेरिका की फौज हो। कुछ तालिबानी आतंकी एयरपोर्ट पर खड़े होकर फोटो खिंचवाते दिखे।
तो कोई आतंकी सेम लोकेशन पर हेलीकॉप्टर के बीच से साइकिल की सवारी करते दिखा। ये बात सही है कि इन आतंकियों के पास अब लाइसेंस टू किल है और इस वक्त इनका पहला टारगेट ही यही है कि चाहे जो हो जाए किसी तरह अमेरिका ने जो हेलीकॉप्टर्स और विमान खराब हालत में छोड़े हैं उसे काम चलाने लायक बनाया जाए। इस वक्त एक कंपाउंड के अंदर हूं। इस कंपाउंड के अंदर काफी ज्यादा यूएस और इत्तेहादी फौज का जंगी साजो सामान मौजूद है जो यहां से छोड़ के चले गए हैं। तो कैमरा मैन साहब जी बता सकते हैं, ये मेरे पास मैं दिखा सकता हूं कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, हेलमेट्स हैं, बाकी बैटरीज हैं और काफी चीजें यहाँ पर, ग्रेनेड भी जिंदा मौजूद है, इसलिए हमें भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा हम दूर रहें। ये उनके टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं जिससे उनका जो है वो एक दूसरे से रब्ता रहता था। यहाँ पर जो तैयारे हैं वो तैयारे भी आप देख सकते हैं कि जिनको नाकारा बना दिया गया है और कोशिश की गई है कि ये दोबारा काबिल इस्तेमाल ना हो। ये वो जो एरिया है जहाँ पर यूएस और इत्तेहादी फौज यहाँ पर अपना उनका एक ठिकाना था और यहाँ पर हेली पीछे आप देख सकते हैं छोटे साख के हेली हैं। इनसे हमने यहाँ बात की तो ये कहा जा रहा है कि शायद ये इंडिया ने जो इनको दिए थे, हिंदुस्तान भारत की जनब से दिए हुए हेली, लेकिन सबको नाकारा बना दिया गया। इसी वीडियो में हमें ये तालिबानी आतंकी दिखाई दिया, ये बार बार दुनिया बदमाश है कहता हुआ सुनाई दिया। इसकी बातें सुनकर इतना तो कंफर्म है कि तालिबानी आतंकी इस बात से खुश नहीं है कि अमेरिका ने जाते जाते अपने साजो सामान के सारे कल्पोजे या तो निकाल डाले या तो उसे चलाने लायक नहीं छोड़ा। دا دنیا هغه بدماش دنیا هغه فرعون او دنیا هغه لوی جبار امریکا دنیا او هغه ته د سول ساتي په نامه باندې ګوري دا سول ساتي نه بلکې دا د اسلام دښمن اسمانانو د انسانیت دښمن طالبان نے اس وقت کابل ایئرپورٹ کو فری فار آل کر رکھا ہے دیسی اور ودیشی میڈیا کو بلا بلا کر ملٹی کیمرہ شوٹنگ کروائی جا رہی ہے پاکستانی پترکاروں کو ساری انسائیڈ انفارمیشن دی جا رہی ہے مقصد صرف ایک ہے خود کو اچھا ثابت کرنا जबकि हकीकत में ऐसा है नहीं। इस वक्त मैं एक हेलीकॉप्टर के साथ मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं ये जंगी हेलीकॉप्टर है। मुझे इसके मॉडल का तो नहीं पता होगा क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसको कहाँ तक जो है वो उन्होंने नकारा बनाया है। तो ये आप देख लें कि यहाँ पर इसको नकारा बनाया गया है मुकम्मल तौर पर। इसका थोड़े से कैमरामैन को आगे हैं कि देखें, इसका पूरा जो कॉकपिट है उसको तोड़ दिया गया है और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर इसको नकारा बना दिया गया। कोई चीज़ जो है यहाँ पर अब काम की नहीं है, तमाम शीशे तोड़ दिए गए हैं और ये जो इसकी स्क्रीन है इसके शीशे वीशे सब यहाँ पर टूटे हुए हैं। तो जहाज़ के पास मौजूद हूँ मैं, इसके सूरत हाल आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें। ये इसको मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाता है कि इसका जो कॉकपिट है उसको मुकम्मल तौर पर नकारा बना दिया गया है कि आप देख लें, तमाम इसका सिस्टम तोड़ दिया गया है ताकि ये इस्तेमाल के काबिल न रहे। और ये आपके बिल्कुल सामने है, कोई चीज़ जो है इसकी स्क्रीन शक्रीन सब चीज़ें उन्होंने तोड़ी हुई हैं। इधर आपको यहाँ से भी दिखाते हैं, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा, ये वो जहाज़ है जिसको नकारा बना दिया गया है। अमेरिका डेडलाइन से पहले काबुल से भागा, मगर निकलने से पहले उसने 10 या 20 नहीं पूरे 73 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जिन्हें डिसेबल करके गया है। यानी एक लाइन में समझें तो ये विमान अब कभी नहीं उड़ेंगे और ना ही इन्हें कभी कोई ऑपरेट कर पाएगा। अमेरिकी सेना करीब 70 माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्शन व्हीकल एयरपोर्ट पर छोड़कर आई है। ये व्हीकल आईईडी अटैक और दुश्मन के हमलों को झेल सकता है। ऐसे एक व्हीकल की कीमत $10,00,000 तक होती है, मगर अब वो किसी भी काम के नहीं रहे। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका अपने साजो सामान की कैसी दुर्गति करके गया है। बावजूद इसके तालिबानी आतंकी सारे नट पुर्जे टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, किस चीज को कैसे ऑपरेट करना है, खराब चीज को कैसे ठीक करना है, कैमरे पर सबका डेमो दे रहे हैं। मगर इस डेमो का रिजल्ट निकलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि तालिबान इंजीनियर्स की नहीं अनपढ़ जमातों की फौज है जिसे सिर्फ फोटो खिंचवाना आता है, जिहाद करना आता है, धर्म के नाम पर लोगों का खून बहाना आता है, नॉनस्टॉप फायरिंग करनी आती है। बीस साल तक चले युद्ध के बाद अमेरिका तय समय से पहले ही अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के टॉर्चर का राज अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है।
पहले दिन गोलीबारी और धमाकों की गूंज सुनाई दी है, मगर आगे आगे देखिए होता है क्या। अमेरिका का साथ देने वालों की जीव काटी जाने लगी है, ये ट्वीट कंफर्म कर रहा है। लोगों की लाशें लटकाई जाने लगी हैं। गोलियों की आवाज और नरसंहार के वीडियो आने लगे हैं, सबूत सामने हैं। और इन सब के बीच अफगानिस्तान में दाने दाने की भी लूट मचने लगी है। एक बेड पर सैकड़ों की उम्मीद टिकी है। सच तो यही है कि तालिबान राज में लाइफ नामुमकिन है, और अगर कुछ मुमकिन है तो वो है मौत। अफगानिस्तान छोड़कर पैदल पहाड़ों के रास्ते ईरान भागते लोगों की तस्वीरों से साफ है, अब अफगानिस्तान में जीने की कोई गारंटी नहीं है, और यही दुनिया के ताकतवर देशों का फेल्योर है। आगे आपको दिखाएंगे वैक्सीन के लिए कहां मची भगदड़, लहूलुहान होते लोगों की हैरान करने वाली तस्वीर। आज पूरे देश में 1,09,00,000 लोगों को कोरोना का टीका लगा, लेकिन बंगाल के जलपाईगुड़ी से वैक्सीन के लिए जो तस्वीरें देखने को मिली हैं बहुत ही परेशान और हैरान करने वाली हैं। जलपाईगुड़ी में वैक्सीन का इंतजार कर रही ये भीड़ मौजूद थी, बेचैन हो रही थी, और जैसे ही वैक्सीन सेंटर का गेट खुला दौड़ पड़े। फिर रास्ते में कौन आया, महिलाएं, बच्चे या बुजुर्ग, इसका ख्याल किए बगैर एक दूसरे को धकेलते कुचलते लोग बस भागते रहे। इस भगदड़ में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त भाई वर्सेस भाई चल रहा है, ठाकरे वर्सेस ठाकरे। हिंदुत्व की वकालत करने वाला सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है, महाराष्ट्र के नव निर्माण की बात करने वाला हिंदुत्व की ब्रांडिंग कर रहा है। ये सारी पॉलिटिक्स दही हांडी पर मचे हंगामे के बीच सतह पर आ गई। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में चल क्या रहा है, पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, आज इंडिया टीवी इसे डिकोड करेगा। मुंबई में मंदिर के बाद दही हांडी पर बवाल, सत्ताधारी शिवसेना के हिंदुत्व पर उठा सवाल। ठाणे के बाद उद्धव के आगे राज ठाकरे का जंजाल, शिवसेना की हिंदू ब्रांडिंग के आगे धर्म संकट खड़ा हो गया है। एक दिन पहले जन्माष्टमी पर बीजेपी ने मंदिर खुलवाने की मुहिम चलाई, एक दिन बाद यानी गोकुलाष्टमी पर दही हांडी से बैन हटवाने के लिए बीजेपी के साथ राज ठाकरे की एमएनएसपी चली आई। मैं मेरा काम करूंगा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवराज साहब का आदेश मानता है और कोई ठाकरे का आदेश नहीं मानेगा। आपको हिरासत में ले रहे हैं। देखिए पुलिस अपना काम करेगी, वो अपना ड्यूटी करेगी, हमें पुलिस से कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, वो जो हिंदुओं के त्यौहार को रोकने की कोशिश कर रही है, इसका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जाहिर निषेध। साकिनाका में एमएनएस की दही हांडी की तैयारी जबरदस्त थी, हांडी तोड़ने के लिए बाकायदा जेसीबी आई थी, पुलिस ने जेसीबी को भी जब्त किया। त्योहारों की भगवा सियासत में लीड लेती बीजेपी को नया सहयोगी मिला है। एमएनएस ने अचानक उद्धव ठाकरे पर आक्रामक रुख अख्तियार किया, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उसने ठाणे, पालघर, दादर, मुलुंड, मालाबार हिल समेत कई जगह दही हांडी फोड़ डाली। पालघर में दही हांडी मनाने की डिमांड कर रहे राज ठाकरे के करीबी अविनाश जाधव को सोमवार को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मंगलवार को पैंडेमिक एक्ट के तहत पुलिस ने आधा दर्जन एमएनएस नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र सरकार के इस एक्शन के बाद राज ठाकरे सामने आए तो सीधे निशाने पर शिवसेना और उद्धव थे। नारायण राणे से राज की सहानुभूति साफ झलक रही थी। आणि सर्व गोष्टी चालूच असतील, म्हणजे आता जे नारायण राणेच्या विरोधात जे झालं, यांच्या हाणामाऱ्या सुरू आहेत, बाकी जे सगळ्यांचे मेळावे सुरू आहेत, परवा दिवशी मला कळलं, कालच कळलं मला, त्या भास्कर जाधव यांच्या मुलाने मंदिरात जाऊन अभिषेक केला, तर ह्यांच्यासाठी मंदिरं उघडी आहेत, बाकीच्यांनी मंदिरात जायचं नाही। यांनी सभा घ्यायच्या, मेळावे घ्यायचे, वाटेल्या गोष्टी करायच्या आणि दहीहंडी साजरी नाही करायची। कुठेही गर्दी कमी झाली तुम्हाला दिसते का?
सर्व मैदानांवरती फुटबॉल सुरू आहे, क्रिकेट सुरू आहे, सगळ्या गोष्टी सुरू आहेत. पूर्वीच्या महापौर बंगल्यावरती आणि त्या माननीय बाळासाहेबांच्या नावाने हडप केलेल्या त्या महापौर बंगल्यावरती तिथे बिल्डरांच्या गाड्या काही कमी झालेल्या दिसत नाहीत. येणाऱ्या सरकारकडून काम करून घ्यायला येणाऱ्या गाड्या काही कमी झालेल्या दिसत नाही, कुठेच काही गोष्टी कमी झालेल्या नाहीत. फक्त ह्या सणांवरतीच तुम्ही कसे काय येतात, त्याच्यामुळे मी माझ्या सर्व माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना सांगितलं होतं की जोरात तुम्ही दहीहंडी साजरी करा, जे होईल ते होईल. राज ठाकरे ने साफ कहा, अपने सैनिकों को आदेश उन्होंने ही दिया था, दही हांडी मनाने के लिए जो चाहे करो. अब इस पॉलिटिक्स को महाराष्ट्र के एंगल से समझिए. त्योहार बहाना है, उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व निशाना है. उद्धव ठाकरे अब विरोध की डबल बैरल का सामना कर रहे हैं. उद्धव को छकाने के लिए दो पुराने साथी राज ठाकरे और नारायण राणे फिर करीब आ रहे हैं. इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और राज ठाकरे की मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात के बाद से मुंबई के सियासी हलकों में चर्चा है कि बीजेपी और एमएनएस करीब आ रहे हैं. हालांकि बीजेपी विधायक राम कदम भी धर्म ध्वजा लेकर मैदान में है. सोमवार को मंदिर खोलने की मांग कर रहे राम कदम ने मंगलवार को पुलिस पाबंदी के बीच अपने घर में ही दही हांडी का कार्यक्रम किया. उन्होंने दही हांडी मनाने का ऐलान किया था. महाराष्ट्र पुलिस पहले ही उनके घर पहुंच गई. राम कदम ने विरोध जताने के लिए अपनी दही हांडी पर ताला भी लगा रखा था. महाराष्ट्र की सरकार रोक रही है 5 लोगों को नियमों के तहत अपना त्योहार मनाना है, तो ठाकरे सरकार को क्या दुख है, किस बात की आपत्ति है? दूसरे धर्मों के त्योहार आते हैं, आधी रात को मंत्रालय खोला जाता है, उनको अनुमति दी जाती है, पर हिंदू त्योहार के समय ठाकरे सरकार के हाथ क्यों कांपते हैं? कांग्रेस के साथ जाने के बाद लोग कह रहे हैं अब ये शिवसेना पूर्व की शिवसेना नहीं रही, सोनिया सेना बनी है, पर हिंदू त्योहार के समय इनको सबूरी कैसे याद आती है? हिंदू त्योहार आते हैं तभी हमें रोका कैसे जाता है? अन्य धर्मों के लोगों को कहां रोका है, दिखाइए आप. याद रखिए कि ये राम कदम भी पहले राज ठाकरे के ही साथ थे. उनकी एमएनएस से ही विधायक बने थे और पहली ही बार प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को हराया था. अब कांटे से कांटा निकालने की बीजेपी की रणनीति आपकी समझ में आ रही होगी. उद्धव सरकार के खिलाफ वही लोग फ्रंट लाइन पर खड़े हैं जो शिवसेना को उसी की जबान में करारा जवाब देना जानते हैं. जब शिवसेना का हिंदुत्व सवालों के घेरे में है तो उसके पास केवल एक ही तर्क है, कोरोना प्रोटोकॉल, जिसके पालन के लिए निर्देश केंद्र से आए. हिंदू विरोधी सरकार है, हिंदुत्व विरोधी सरकार है, यांच्या सरकारला हे सण चालतात आणि ते चालत नाहीत. त्यांना मला ते केंद्राचं पत्र दाखवायचं आहे की त्याच्यात त्यांनी स्पेसिफिक म्हटलेलं आहे की दही हंडी आणि गणेशोत्सव या काळामध्ये दक्षता पाळा. मग आता हे कोणतं सरकार कोणत्या सणाविरुद्ध, कोणत्याही सणाविरुद्ध, कोणत्याही धर्माविरुद्ध हे सरकार नाही, आपण कोरोना विरुद्ध आहोत. आणि म्हणून मी नेहमी सांगतो की आंदोलन ज्यांना करण्याची खुमखुमी आहे त्यांनी आंदोलन कोरोना विरुद्ध करा. ये सच है कि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति चिंताजनक है. संक्रमण के मामले में केरल के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है. राज्य में अभी 50,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस है, जो देश में केरल के बाद सबसे ज्यादा है. 15 अगस्त तक हर रोज 200 से कम केस आ रहे थे, 31 अगस्त तक रोजाना 400 तक केस आ रहे हैं. महाराष्ट्र में कोरोना का डबलिंग रेट भी चिंताजनक लेवल पर है. 15 अगस्त के करीब 10 दिन में केस दोगुने हो रहे थे, 31 अगस्त तक आते आते 8 दिन में ही केस डबल हो रहे हैं. बहरहाल उद्धव ठाकरे जिस बात को सीएम की शाइस्तगी से कहते हैं उसी बात को शिवसेना नेता संजय राउत तंजिया लहजे में बयान करते हैं. केंद्र सरकार एक तरफ से एडवाइजरी देती है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मंदिर खोलने की बात और ये सब फेस्टिवल बनाने की, तो क्या आप उनके ऊपर केंद्र सरकार एक्शन लेगी? अगर हम एक्शन लेंगे तो हमें बोला जाएगा आप हिंदुत्व विरोधी है, बोलेंगे ना. अगर हम कहे कि भाई त्योहार हमारा भी है, सबका है, लेकिन जान को खतरा ज़्यादा है लोगों के लिए, तो आप थोड़ा सा सावधान तरीके से काम करिए. अगर हमें कहेंगे
तो बीजेपी के लोग बोलेंगे अरे ये शिवसेना हिंदुत्व विरोधी बन गई। लेकिन एडवाइजरी जो है इस बारे में वो केंद्र सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, अमित शाह साहब की है, तो आप उनको हिंदुत्व विरोधी बोलेंगे? अगर यहाँ की बीजेपी के लोग अपनी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, हाँ अपने खुद की केंद्र सरकार जो बीजेपी की है उनकी बात नहीं सुनने जा रहे, आप क्या कर उनसे बात कर सकते? शिवसेना का तर्क जो भी हो मगर विरोधी उसे आईना दिखाने से नहीं चूक रहे। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने दहीहांडी की ऊंचाई को प्रतिबंधित किया था तब शिवसेना इस फैसले के खिलाफ थी। तब शिवसेना ने पूछा था अगर भारत में पाबंदी लगेगी तो क्या हम पाकिस्तान जाकर दहीहांडी मनाएंगे? उद्धव सरकार के आगे मुश्किल तो 10 दिन बाद शुरू हो रहे गणेशोत्सव को लेकर है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत गणपति मूर्तियों की ऊंचाई में कमी समेत कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक मंडलों में गणेश प्रतिमा की ऊंचाई की सीमा 4 फीट तय की गई है जबकि घर में ये ऊंचाई 2 फीट है। आरती के दौरान भी अब तक भीड़ लगाने की अनुमति नहीं है। सरकार ने जुलूस की तो मंजूरी दी ही नहीं। 10 दिनों तक चलने वाले गणपति पूजन की शुरुआत 10 सितंबर से हो रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।